आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, कहते हैं मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनाती है, वो बोली कि साहब तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको भी कंपटीशन के लिए दिल खोल के लड़ाई करनी होगी, ऐसे कंपटीशन नहीं जी सकते आप। तो सभी धीरे धीरे सबको पढ़ना ही होगा, तभी आप लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या है? योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। पहले का आंसर हो जाएगा इंडिया विजन 2020। क्या हो जाएगा? इंडिया विजन 2020। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हर कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। दूसरे का आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या हो जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तीसरा क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? एक अप्रैल 1951 को। दोस्तों, कब की गई? 1 अप्रैल 1951 को भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। दोस्तों, किससे? शेयर बाजार से। बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। दोस्तों, क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। छठवें का आंसर हो जाएगा कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, सभी कंपटीशन लेवल से क्वेश्चन पूछा है ये। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। साथियों का आंसर हो जाएगा अवस्थापन विकास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? आठवां आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। नौ का आंसर हो जाएगा प्राथमिक घाटा। दोस्तों क्या हो जाएगा? प्राथमिक घाटा। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? दोस्तों किसको दी गई? कृषि को। दोस्तों किसको? कृषि को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? भारतीय रेलवे। दोस्तों क्या हो जाएगा? भारतीय रेलवे। अगला क्वेश्चन, बजट घाटा का क्या अर्थ है? दोस्तों जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। बजट घाटा का क्या अर्थ है? बजट घाटे का अर्थ होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्चों में अंतर। कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्चों में अंतर। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। तेरह का आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। दोस्तों 1 अप्रैल 1935। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अवमूल्यन दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? दोस्तों भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। 15 का आंसर हो जाएगा परछन दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? दोस्तों 16 का आंसर हो जाएगा चावल। दोस्तों क्या हो जाएगा? चावल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? कौन से क्षेत्र का है? दोस्तों जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है। दोस्तों किसका है? विनिर्माण का। 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? दोस्तों पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? कौन सी योजना को माना जाता है? तृतीय। दोस्तों कौन सी को? तृतीय योजना को। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। 1900 आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? दोस्तों 20 का आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दोस्तों क्या हो जाएगा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास का सर्वाधिक बिल दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास का सर्वाधिक बिल दिया गया था? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें।
21वां का आंसर हो जाएगा उद्योग दोस्तों, क्या हो जाएगा उद्योग दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है, तो आंसर हो जाएगा प्रतिलोम दोस्तों, क्या हो जाएगा प्रतिलोम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, हर कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मान के चलिए दोस्तों। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में दोस्तों तीसरा स्थान है, कौन सा है तीसरा। अगला क्वेश्चन, दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है दोस्तों। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा 8%, कितना हो जाएगा 8% दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई किस क्षेत्र में दिखाई देती है दोस्तों। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई किस क्षेत्र में दिखाई देती है दोस्तों, बच्चों का आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में, किस में कृषि क्षेत्र में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।